शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिसने एक बार फिर विवादों को जन्म दे दिया है। लोकसभा चुनावों में अब केवल 64 दिन बचे हैं, ऐसे में गाली गलौज अपने चरम पर आ गई है। सवाल ये उठता है कि यूपी से बैरिया के बीजेपी विधायक जो है सुरेंद्र सिंह, वो लगातार अपने इस तरह के बयानों से चर्चा में रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने अब राहुल गांधी को रावण बता दिया है और प्रियंका गांधी को शूर्पणखा बता दिया है और नरेंद्र मोदी को राम बताया है। और उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल जो है वो थोड़ा गर्मा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में केवल 67 दिन बचे हैं और गाली गलौज अब चरम पर दिख रही है। अब इस बयान के बाद बड़ा विवाद आगे बढ़ेगा। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है, और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को लंका को अपने जो है उतारा है। मान के चलिएगा कि जो है लंका विजय हो गए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।